रेज जिन ओ माय गॉड स्मोक जाया जरूर कर बैठी उनके प्लेयर एलिमिनेट हो जाएंगे टीम आईएट के उसमें वहां पर मौजूद रहते क्रिप्टो की तरफ से एक फ्लैंक का गेल अडॉप्ट किया जा रहा है बैक एंड से भी टीम आईएट के प्लेयर आ सकते हैं स्मोक्स का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं पैनिक हो चुके हैं और समझ नहीं आ रहा जेन और फास्टर को कि यहां पर अब किया क्या जाए कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है इसे बाहर निकलने का एक ही इरादा है कि टीम आईएट को बोलो रश कर दें और लॉबी की रवानगी इख्तियार की जाए लेकिन 52x रेज के प्लेयर्स की तरफ से रिवाइवल एक बहुत ही बारीकी एक नाजुक सूरत हाल पे दिया जा रहा है टीम आईएट थोड़ा सा डिले जरूर कर रही है और ये डिले महंगा उनको पड़ा है 52x रेज के प्लेयर्स भी मैदान में वापस आते हुए नजर आ रहे हैं अलादीन भरपूर तरीके से रिटालिएशन फायर किया जा रहा है बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे ये फाइट अगर टीम आईएट को एलिमिनेट कर दिया जाए तो आई विल बी रियली शॉक्ड टीम आईएट थोड़ा सा पैसिव इस फाइट में मुझे नजर आ रही है बिकॉज थोड़ा सा डिले उनकी तरफ से किया जा रहा था उस रश को एक दो प्लेयर्स रह चुके थे मेन एडवांटेज था टीम आईएट के पास उनको डायरेक्ट रश इन कर देना चाहिए था स्मोक्स का इस्तेमाल करते लेकिन टीम 52x रेज के प्लेयर जिस ध्यान से खेलते हुए नजर आ रहे हैं आईएट का सामना करते हुए नजर आ रहे हैं घबराते हुए नहीं नजर आ रहे लेकिन फाइनली यहां पर टीम 52x रेज का स्क्वाड टीम आईएट के अगेंस्ट खड़ा होता है सीना तान के फाइट जरूर की जाती है और एलिमिनेट किया जाता है टीम आईएट के स्क्वाड की तरफ से लेकिन क्विटी का स्क्वाड बैक एंड पे आ जाएगा और वो थर्ड पार्टी स्टार का स्क्वाड एक किल करने के बाद हमें छोड़कर चला जाएगा इस मैच में टीम क्विटी के स्क्वाड को यहां पर खान के ऊपर भी डैमेज पड़ता हुआ खान भी लो हो जाएंगे और लुक एट दिस स्काई के प्लेयर नो स्काई के एश क्या कर रहे हैं यार व्हाट इज इट वाकई वाकई आसमान पे जा रहे थे आसमान की ऊंचाइयों में बट यहां पर हेल्थी की तरफ से नॉक निकलेगा टीम एनएफपी के प्लेयर्स अग्रेसिव होते हुए एश विद दैट इंप्रेसिव एंट्री यहां पर आते हैं ओ माय गॉड लुक एट दैट हीरो एंट्री यहां पर पार्किंग स्किल्स छोड़े आधी फ्लाइंग स्किल्स की बात करते हैं पायलट यहां पर बन चुके हैं और इनसेन परफॉर्मेंस फ्रॉम द साइड ऑफ टीम एनएफपी जिस तरह से टीम क्विटी को क्लियर किया गया इस एरिया से क्विटी के दो प्लेयर्स यहां पर वैकेंट पर सर्वाइव कर रहे हैं टीम NFP के प्लेयर्स यहां पर क्लियर करते हुए पूरा कंपाउंड नाउ दे हैव टू रिक्वेस्ट वो बैकस्टैब जब वो रोक रहे थे और अब उनको सामने जाकर रहमान को और वोल्टर्स को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा बट रहमान यहां पर नॉक निकालते हुए की चलेगी इस वक्त DP28 और एक नॉक निकाला जाएगा रहमान भी काफी लो जरूर है लेकिन टीम स्काई अपने प्लेयर को रिवाइव दी जाएगी यहां पर और वोल्टर्स को टेकडाउन करने कुछ की जाएगी लेकिन एनएफपी के स्काई आज मौजूद रहेंगे हेलमेट इनके पास सर के ऊपर मौजूद नहीं रहेगा टीम क्विटी का स्क्वाड लेट्स सी कैसी परफॉर्मेंस यहां पर दिखाता है फ्रीस्टाइल का स्क्वाड बैकेट के ऊपर हैचुल के ऊपर हमारे छोड़कर जरूर चला जाएगा लेकिन स्काई आज को बहुत ज्यादा लो किया जाता है हेलसी को लो किया जाता है वोल्टर्स की तरफ से विदाउट ओपनिंग द स्कोप इंप्रेसिव फायर यहां पर किया जाता है स्कारेल का इस्तेमाल करते हुए लेकिन यहां पर रशन किया जाएगा सामने की तरफ खतीर मौजूद रहेंगे खतीर यहां पर लेट्स सी सामना कर पाएंगे टीम क्विटी प्लेस का नहीं कर पाएंगे लेकिन सामने बिल्कुल चा करते हुए जरूर जाएंगे और खतीर को नॉक किया जाएगा लेकिन यहां पर वोल्टर्स को नेट बहुत ज्यादा डैमेज करेगा खतीर क्या यहां पर 1v4 कर पाएंगे 1v4 क्या यहां पर निकलेगा टीम एनएफपी के प्लेयर की तरफ से खतीर के पास M249 मौजूद रहेगी मैं बिल्कुल घबरा चुका हूं यहां पर अलादीन बिकॉज़ लुक एट दिस लुका चुपी खेलते हुए नजर आते हैं वो उस तरफ जाते हैं वो इस तरफ आ जाते हैं और हो क्या रहा है लेकिन वोल्टर्स बैक एंड के ऊपर 5 किल्स स्कोर जरूर कर लेंगे टीम क्विटी का स्क्वाड मौजूद रहेगा खतीर और लुक एट दिस वोल्टर्स को आप देखें जरा बिल्कुल टॉम एंड जेरी का खेल खेला जा रहा है खतीर फट चुके हैं खतीर ने अब गन उठा के मारनी है मुझे लग रहा है यहां पर फन मैच बनता हुआ नजर आ रहा है वोल्टर्स को आगे की तरफ चले जाएंगे फिर खतीर यहां पर लेफ्ट साइड से जाएंगे वोल्टर्स राइट साइड पे आ जाते हैं कर क्या रहा है वोल्ट्रिक्स खतीर को He's getting on his nerves. खतीर at last यहाँ पर नेट थ्रो करेंगे वोल्ट्रिक्स को पता चल चुका है कि अब खतीर अंदर की तरफ लेकिन मॉड के प्लेयर्स ऐसी गाड़ी चला रहे थे जो कि नहीं चल सकती और वो नहीं चलती ज्यादा देर और वो इस मैच से बाहर हो जाते बट आई लव दैट दैट वाज सो इनसेन लेकिन चले आशु को पता स्प्रे बट फास्ट भी नहीं देंगे होगा यहां पर स्प्रे देते हुए काफी बट एक ग्रेनेड अंदर जाता है कंपाउंड के एक ग्रेनेड बाहर चला जाता है सो दैट वाज इनसेन लेकिन चले यहां पर व्हाट ये स्मोक किस तरह से बाहर निकला यार I don't know smoke is I think so QE ke players ki taraf se kiya jaye kiya gaya hoga kha ke bahar aaya ye smoke examin ki taraf se beshak aisa ho sakta fir se examin ne smoke fenka aur wo ek tarah se fir kiya dusri window se bahar जामिन पे बैन लगा देगी आज के बाद ये एक और नेट जाएगा जामिन का ये नेट वापस चला जाता है जामिन कहते हैं होनी मैं चंडा होते अब तो स्पोर्ट्स के हाथों नेट करने से लेकिन टीम क्यूई के ऊपर अभी तक एग्रेस नहीं किया जा रहा 2v4 सिचुएशन हालांकि यहां पर बना दी जा चुकी है लेकिन वहां पर बोंगा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है टीम यूएनबी के मार्क्स एनएफ को टेक डाउन करने में और उनकी तरफ से स्मोक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है यूएनबी के प्लेयर की तरफ से जो कि काफी यहां पर नॉर्थ स्पोर्ट्स स्क्वाड एग्रेस करेगा नॉर्थ स्पोर्ट्स स्क्वाड की तरफ से एनिहिलेट किया जाएगा आदि ओपी लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर स्मोक्स का इस्तेमाल करते हुए अंदर की तरफ मौजूद रहेंगे सामने की तरफ प्लेयर मौजूद रहेंगे सामने की तरफ नॉर्थ स्पोर्ट्स स्क्वाड मौजूद रहने वाले लेकिन
एट लास्ट यहाँ पर क्यू ई के प्लेयर को भी टेक डाउन कर लिया जाएगा, दोनों के दोनों प्लेयर्स को टेक डाउन। ओके अभी तक यहाँ पर आदि ओपी से सर्वाइव करते हुए नजर आ रहे हैं, तो बिलाल मौजूद रहेंगे, बिलाल सामने की तरफ मौजूद रहेंगे, बिलाल की तरफ यहाँ पर तीन प्लेयर को टेक डाउन कर लिया जा चुका है। नॉर्थ ईस्ट बुश का स्क्वाड जहां पर कंप्लीट बेनिफिट के साथ सर्वाइव करता नजर आ रहा था, आखिरी प्लेयर को भी एलिमिनेट किया जाएगा, द 1v4 कम्स इन एंड क्यू ई बिलाल टेक्स द गेम इनटू हिज ओन हैंड्स। ओके दुबई हाथों में जरूर था, लेकिन क्यूई के आखिरी प्लेयर जरूर सर्वाइव करते हुए दोस्तों इस मैच से बाहर हो जाते क्रिप्टो, इस सात किल्स कंफर्म कर चुके हैं, 16 किल्स आईडी के बोंगा की तरफ से टीम से रार यहाँ पर 7 किल्स कंफर्म करके इस सिचुएशन को 2v3 कर जाती है आरी एंडा जदार हैज ऑल द एडवांटेजेस, लेकिन ब्लेड यहाँ पर अकेले मौजूद और यहाँ पर ब्लेड को नॉक किया जाएगा। उज़म इज डाउन टू 1 HP एंड ही ट्राइज टू हील हिमसेल्फ, उज़म की पोजीशन भी रिवील रहेगी, जदार के पास सर्कल भी मौजूद रहेगा, हील करना यहाँ पर रिवाइव देना इज इम्पॉसिबल राइट नाउ, लेकिन क्रोनस यहाँ पर डैमेज खाते हैं, बट रार यहाँ पर शिकट करके जाती हुई विद द 7 kills in the backpack, her team's a large chicken dinner kar jati hai, lekin Adi